नमो लोये सौरियंताणम नमो लोये सौदानम नमो लोये सौवायरियाम नमो लोये सौजायानम नमो लोये सौत्रिकावर्ति सावनम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र सुमंगल नमः समर्पितं परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्मा प्रकाश नो स्वाध्याय आपणे करी रह्या छीए। एमां गाथा 107 नो स्वाध्याय चाले छे। आचार्य भगवान नी गाथा 107 एनो अन्वयार्थ एनो भावार्थ कर्या छे। તે પછી આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તેનો કેટલોક ભાગ કર્યો છે, હવે આજે આગળ લઈએ છીએ। તે પહેલા સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ। મૂળ ગાથામાં એમ કહ્યું કે આત્મા નિયમથી જ્ઞાનનો વિષય છે। આત્મા જ્ઞાન દ્વારા જણાય, જ્ઞાન જ આત્માને જાણે છે। તેથી હે પ્રભાકર ભટ્ટ, ધર્મ અર્થ અને કામ એ ત્રણ ભાવોને મૂકીને એને છોડીને જ્ઞાન વડે પોતાના આત્માને જાણ। જે જ્ઞાન પરનું લક્ષ કરીને રોકાઈ રહ્યું છે, એ જ્ઞાન આ ત્રણ પ્રકારના ભાવમાં જે રોકાઈ રહ્યું છે, ધર્મ અર્થ અને કામના ભાવમાં, એની દિશા ફેરવી ના અને એને સ્વરૂપ તરફ વાળી દે તો આત્મા જાણવામાં આવશે। કેમ કે જ્ઞાન દ્વારા જ આત્મા જણાય છે, જ્ઞાન દ્વારા જ આત્માની અનુભૂતિ છે। તો આજે આગળ સ્વાધ્યાય લઈએ છીએ। પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ ત્રીજો વર્ડ ટુ વર્ડ એના પાના નંબર 370 ઉપર ત્રીજો પેરેગ્રાફ। ऋणीपी मुक्त्वा पुण्य ना भाव लक्ष्मी ना भाव कामना भाव को छोड़कर ज्ञान से निज आत्मा को जान है। अंतरनी ज्ञान लक्ष्मी से ज्ञान की दिशा से आत्मा को जान, विकल्प से नहीं, पर से नहीं। शास्त्र का ज्ञान से भी जानने में नहीं आता। ये विद्वता हो जगत में बाहर है, आत्मा में नहीं। अंतर का ज्ञान की दशा जो है, वस्तु जो ज्ञान स्वरूप है उसकी पर्याय में वर्तमान में विकसित ज्ञान का अंश है। ये ज्ञान की पर्याय अंतर में वालने से आत्मा जाने में आता है, तब उसको धर्म में संकित होता है। आई बात से भगवान शू कही है। श्रीमद कहते थे, अरे हमारी बात नाद कौन सांभवशे, कारण के गृहस्थाश्रम में थे और सच बात तो आई थी तो कुछ लोगों ने तो बड़ा बाहर नो त्याग देखे तो माने। तो ऐसे कहते थे, अरे रे हमारा सच बात हमारा नाद कौन सुनेगा। ऐसे हमें तो सच कहते हैं पर कौन सुनेगा कहता। एम आई परमात्मा शिष्य को कहते हैं, प्रभु हम ऐसी बात सुनाते हैं तेरे को। भगवान तेरी निधि निदान सचिदानंद प्रभु निदान पर आए ना तेरी तेरी चीज में। ये ज्ञान स्वरूप ही भगवान को वर्तमान ज्ञान की परिणति से जान। ये शिवाय कोई नहीं संकीर्तन काल में होता। समझ में आया। छोड़कर ज्ञान से है, ज्ञान शब्द शास्त्र का ज्ञान की भणति ही नहीं, ज्ञान नहीं है। आत्मा नु जी ज्ञान अंदर है, पर्याय पर्याय अवस्था जी विराग का विकल्प से रहित, ये ज्ञान की पर्याय से अंदर जान। समझ में आया।
ज्ञान की अवस्था प्रकट जो है अंश जानने की, जानने की दशा उसके जानने वाला को जान। हाँ हाँ, तो तेरे संकेत दर्शन होगा और तेरे जन्म मरण का अंत आएगा। ऐसा भगवान सुन के कहा के एक मौन समय क्या बाहर नी प्रवृत्ति ना प्रेम मा पड़िया एने आ वात सांभवी एवी कठिन लागे क्या। अरे आप एक नीचे नीचे नी एक क्षण में नियत काल में आत्मा वो प्राप्त होता है, अनंत काल में ना हो सके। एक क्षण में प्राप्त होता है नहीं, साधक दिशापान असंग समय में पूर्ण के ज्ञान हो जाता है। अपना अनुभव हुए पीछे असंग समय केवल ज्ञान को प्राप्त करने में लगता है, अनंत समय नहीं। एक पांच भाव पंद्रह भाव भाव तो बस खलास हो जाएंगे। केवल ज्ञान परमात्मा अनंत काल परिवर्तन में गाले नवमी गृह दियो व्रत दिया तप दिया मुनिपना दिया तो कैसा दिगंबर मुनि अने कितना चामड़ा उतरड़ी ने खार छाटे चमड़े क्रोध न करे पर वो सम्यक दर्शन नहीं है। भगवान अंदर सच्चिदानंद प्रभु उसका पत्ता लिया नहीं, समझ में आया। सहजे समुद्र उलसियो जेमा रतन तनाना जाए पुण्यवान कर वावरे एनी मुठी मुठियों भराए मोती है। सहजे समुद्र उलसियो रतन तनाना जाए एना पुण्यवंत कर वावरे तो मुठी मोती मुठियों भराए अंतर में जाए तो रतन आत्मा रतन मरे। पापी प्राणी त्या मुठियों भरे नाखे श्रृंखला मुठी भराय श्रृंखला हाथ में आवे श्रृंखला एम पुण्य क्रिया ने दयादान की क्रिया हाथ में आवे। यही बात है भगवान। हा तो आवी पीढ़िया क्यांक में क्यांक बापू होंदगीर ने पादर पीढ़िया छे अं तो मार्ग तो आवा छे बापा। शू कही समझ में आया। निशुद्धात्मा ज्ञान का ही गंध है। भगवान शुद्ध स्वरूप पवित्र भगवान ये तो अपनी ज्ञानी दशा से ही गंध है न गोचर एट गंध। गोचर गाय चरते नहीं है, गाय चरते हैं ऐसी चीज क्या है कि घास चरती है ये मुंह से नहीं उखेड़े ऊपर ऊपर से खाए ये थी गोचर कहते हैं गाय गोचर। अने गजरा का स्वभाव ऐसा है मुंह से खूच पची उगे नहीं। अने गाय तो सारा घास में पर आओ खेचे नहीं ऊपर से खाए इतने बद मूड़ यहां जा रहे पाचन नवा ये थी अने गोचर कहते गोचरी मुनि ने गोचरी कहते ने। मुनि हार लेने को जाए तो उसके गरीब बनाओ अपने से नहीं नहीं बनाओ उसमें थोड़ा ले ले ऊपर से एन पर रखी नहीं तो उसके मजे बनाते तो कान लेते क्या वस्तु क्या रही है। गद्दा तेरी हुई है तो गोचरी नहीं हुई। केला सिंह जी भगवान आए तो बात ही है। हम भी ऐसा किया नहीं पंद्रह वर्ष गोचरी भिक्षा माटी बहुत चलते हैं निर्दोष लेते तो क्या मैं अपने हाथों सत्य की बात चलती। हम भी तो भिक्षा माटे जाते थे ने उसमें तो ग्रस्त लोग था रायचंद गांधी 50,000 नी पैदा थे वक्त हो 8 वर्ष पहले मोटी निशान व्यापार ऊंचा पचा मानस गरीब में कैरी का रस कैरी हम अजमन ब्रुगमन बढ़िया पड़ा हो तुम भिक्षे जाए हमारे माटे कैरिया तो ना होने
उठे रख देने को मारो। उसमें गुटली है, गुटली समझते हैं, गुटली उसमें गुटली है कि नहीं कि महाराज कभी नहीं अठो नहीं अठो नहीं मनाई नहीं गुटली है ना, गुटली है जीव है हाँ। बाकी अजमन दो मन रस बढ़ाओ ऐसे पूछे पहले हम बनाया मेहमान माया मन बनाया था तो उसमें गुटली गुटली है महाराज हमको खबर नहीं अठो नहीं ये केंद्रीय जीव है अंदर ये रसम नहीं ली ऐसे सकत लिया थी वो ये बेचारा ग्रस्त लोग बनाओ आंख में हमारे माटे एकेंद्री जी मरे ये तो तुम्हारी क्रिया ऐसी थी ना मानी थी क्रिया के पीछे तो जाने का तो क्रिया कांड है नहीं समझ में आया तो वो कहीं क्रिया ये तो राग की ममता की क्रिया ये कोई धर्म नहीं समझ में आया। आए तो कहते हैं शुद्धात्मा निज शुद्धात्मा ऐसा लिया है भगवान आत्मा नहीं तीर्थंकर का आत्मा नहीं ये तो पर है निज शुद्ध आत्मा ऐसा शुद्ध पर है देखो निज अपना शुद्ध पवित्र भगवान आनंद कंद आत्मा वो ज्ञान के ही गंध है अपने ज्ञान की निर्मल दशा द्वारा जानने में आता है व्यवहार से जानने में आता नहीं निमित्त से जानने में आता नहीं शास्त्र से जानने में दिव्य ध्वनि से जानने में आता नहीं ये तो पहले आ गया है दिव्य ध्वनि से भी आत्मा जानने में नहीं आता मुनियों की वाणी है ये वाणी द्वारा भी आत्मा नहीं जानने में आता शास्त्र दिशा दिखाड़ी अलगार है शास्त्र दिशा दिखाड़ी जो भाई अंदर आत्मा आनंद है त्या जा बस एक बता रहे तुझे अलगार है शास्त्र ने अंदर ना जाए समझ में आया मार्ग ऐसा है भगवान एनी दृष्टि सच्ची तभी ये तो अलौकिक बातों है भले चारित्र न हो सैनिक राजा चारित्र नहीं था सम्यक दर्शन था आत्मज्ञान हुआ था हजारों राजा चामच रावते थे पण एक बार मुनि की असाधना करी थी मुनि ध्यान में बैठे थे नग्न मुनि तो एक सर्प मरी गिला था डोक में नाख्या बहुत गर्मी था तो उसको नाख्या ने पीछे चला गया करोड़ों चीड़ियों उसकी चेतना रानी थी रानी शैनी राजा की ये रानी संकीती थी ज्ञानी थी तो चेतना ने कहा का तेरा गुरु मैं नाख्या में मर दूं सर्प का नाखी का दिन दिया होगा अंधाता हमारा गुरु ऐसा नहीं अंधाता पतिदेव एम के पत्नी पतिदेव तरीके पतिदेव ऐसा नहीं सर्प निकाला नहीं होगा चलो क्या है चले दो पति पत्नी दी मुनि तो ध्यान में आनंद में थे आनंद 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 करोड़ों कीड़िया गाना पड़ गया माता चिरणा रानी है हार ऊंचा करके जो पति देव उसने निकाला नहीं ये तो आनंद का ध्यान में मस्त है यही मुनि कहने वाला है ओहो महाराज मने धर्म समझाओ मैं धर्म बिना करा था ये चेतना का प्रताप धर्म धर्म समझा एक क्षण में संकित हो गया दृष्टि खोल कर अंदर में चंक लगी अंदर आ वहीं पर वो मैं क्या आत्मा में अंदर और पीछे भगवान पास समूसन में गई जहां विकल्प आया तीर्थंग तो बन गया पर वो नरक का आयुष बन गया था वो मुनि को डूक में ना क्या था ना सात में नरक है नीचे सात नरक रत्न प्रभा शंकर प्रभा बालू प्रभा सात नरक है नीचे एक एक नरक में असंख्य नारकी है आ बदा राजा महाराजा शेठिया उमास का महाराज बदा त्या पार्लियामेंट पर आई त्या बदा मरी नरक जाए
पदम जी ये नरक में गए, थोड़ा आयुष बंद गया ने, पहली नरक नो आयुष बड़ा हो गया, 33 साल का कबन था, पर जहां संकेत पाया स्थिति तोड़ डाली, 84,000 की रही, 84,000 की अभी नरक में गई, 84,000 है। क्षणिंग राजा आयुष ज्ञाति निकल के रानी ने कूखे तीर्थंकर होगा, आगे में 24 में क्षत्रिय कुंड में तीर्थंकर पुत्र होगा, पहला जो महावीर स्वामी भगवान था ऐसा ही तीर्थंकर होगा। एक आत्मज्ञान है, सम्यक दर्शन का प्रताप ऐसा है। समझ में आया, लोगों ने कीमत सम्यक क्या है, नहीं कीमत नहीं, ये तो बात त्याग कर ना कि नहीं क्या है, भूड़ी है नीति अंबल ने अनगारो मोही आते हैं सब रत्न करना चाह अनगार होते हैं, पर राग को धर्म मानते हैं, राग से व्रत से धर्म मानते हैं, मिथ्या दृष्टि संसारी है, अने समकी थी गृहस्थाश्रम में हो पर राग से धर्म नहीं, आत्मा का स्वरूप के धर्म है तो ये निर्मोही मुख्य मार्ग में है। हाँ 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 ऐसा चार समझ बन रहा चार, ये भी बात मुझे भगवान तो पर्यूषण का दिन है भगवान। क्या मति ज्ञान आदि 5 भेदो रहित परमात्मा शब्द का परम पद है। क्या कहते हैं कि आत्मा जो ज्ञान स्वरूपी त्रिकाल जो है, ये पुण्य का परिणाम जो दयादान व्रत आदि उससे तो भिन्न है, पर जो पर्याय 5 होती है, मति शुद्ध ज्ञान अवधि 5 दशा, ये 10 दशा से पण रहित अभेद है। एक रूप ज्ञान एक भाव है, है उसको परमात्मा परम पद के है, वही साक्षात मोक्ष का कारण है। समझ में आया, उस स्वरूप परमात्मा को वितराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान के बिना देखो, ये आत्मा अंतर में ज्ञान की वितरागी ज्ञान दशा बिना, वितरागी निर्विक संज्ञान के बिना दुर्धर तप के करने वाला बहुत से प्राणी नहीं पाते हैं। महीना महीना ना अपवाद करो, पंच महाव्रत पाओ, हजारों आने त्याग करो, उससे आत्मा नहीं मिलता है। ये तो परमात्मा जो अपना स्वरूप भगवान पूर्णानंद प्रभु, ये पंच पूर्ण परमात्मा बेस्ती नहीं बात भैखारी जैन बैठा ने राखो थी गया राखा है। यहाँ 5-25 लाख पैसा मिले थे जाने बादशाह हो गया, एक राजपद मिले थे राजा बादशाह दूरे नहीं सुनते सही, भिखारी परनी वस्तु में अपनी मानने वाला, अपनी चीज को छोड़कर भिखारा है राका है, तो वरा का शब्द शास्त्र में वरा का यहाँ शब्द पड़ा है, वरा का इतने भिखारा राका। चैतन्य लक्ष्मी की तेरी खबर नहीं, अंदर पूर्णानंद को नाथ अंदर पड़ो थे उसकी तो तेरी खबर नहीं, अने बाहर नहीं पैसा न धूल ने इसमें गर्ण चले गई, भिखारा राका मरी गई चार गति में। तो यही बात है, पैसा पैसा नहीं कहीं किमत न बढ़ाए तो एम कहते नहीं, मुंबई में किमत है नहीं। कहते हैं कि वितरा निर्विकल संवेदन ये ज्ञान हो, दूसरा शास्त्र का ज्ञान है, फलाना ज्ञान है, चारण युग ना ज्ञान, ये नहीं, परमात्मा अपना स्वरूप वितरा निर्विकल संवेदन ज्ञान के बिना दुर्धर तप के करने वाले बहुत से प्राणी नहीं पाते हैं। इसलिए ज्ञान से ही अपना स्वरूप अनुभव कर, अंदर ज्ञान की पर्याय अंदर मां जाकर अनुभव कर, विशेष आई गया। आज 10वां दिन है दशलक्षणी पर्व का, ब्रह्मचर्य दिन है, ब्रह्मचर्य ब्रह्म नाम आत्मा का आनंद, उसमें चरणावत का नाम ब्रह्मचर्य है,
स्त्री का त्याग ये तो एक सुभाव है, या तो स्त्री लीला संसार ना परिभ्रमण चक्र में स्त्री कारण है, बताते ब्रह्मचर्य का अधिकार है ना। निश्चय से तो शुभ अशुभ जी विकार की परिणति ही परिस्त्री है। यहाँ लिया है स्त्री, जिस प्रकार कुंभकार का चाक जमीन के आधार से चलता है और उस चाक की तीक्ष्ण धारा रहती है, उसके ऊपर मिट्टी का पिंड भी रहता है, वह चाक अनेक प्रकार के कुशल ठास आदि घट के विकार को करता है, उसी प्रकार संसारूपी चाक की आधार स्त्री है। यह स्त्री न होती तो कदापि संसार में भटकना न फिरता। इस संसार रूपी चाक में अत्यंत तीक्ष्ण दुखों का समुदार है, संसार में अनेक प्रकार का नरकादी दुखों का सामना करना पड़ता है। इस संसार रूपी चाक के ऊपर अनेक प्रकार के जीव है, वे पिंड है, वह संसार रूपी चाक देह मनुष्य आदि विकार कराकर जीवों को भ्रमण कराते हैं। इसी श्री संसार के कारण है मोक्ष का विनाशी पुरुष स्त्रियों को माता बहन पुत्री के समान मानता है। मानी के डिग्री अपनी सरखी बहन बड़ी हो माता, यहाँ तो स्त्री का मुख्य कथन है। और उसे कहा जो पुरुष निरंतर स्त्री के हृदय में प्रीति उपजाने वाले है, स्त्री का हृदय में कुंजवन प्राणी जिनको स्त्रियां चाहती है ये भी लोक में पुण्यवंत कहने में आता है, पर जिन मनुष्य के हृदय में स्त्रियां सपने भी निवास नहीं करती उनसे भी अधिक धन्य वितरागी पुरुषों चरण कमल का, स्त्रियों के प्रिय पात्र बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि भी सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। यहां निश्चय से तो भगवान आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, प्रज्ञा ब्रह्म, प्रज्ञा नाम ज्ञान ने ब्रह्म नाम आनंद, पर खबर क्या ये वो चीज है, आत्मा क्या चीज है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है। ये स्वभाव तो अतीन्द्रिय आनंद ने, अतीन्द्रिय ज्ञान ने, अतीन्द्रिय स्वच्छता स्वच्छता, ऐसा स्वभाव उसमें पुण्य ने पाप का दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव ये पर परिणति है, विभाव परिणति है। युगार में कहा था ना समय सन्नाटिक में कि पर परिणति वो स्त्री का संग है, युगार में लिया था नहीं समय सन्नाटिक में। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड प्रभु, अरे क्या क्या खबर नमड़े क्या आत्मा इतने क्या यहाँ सर्वज्ञ परमात्मा जिसने आत्मा प्रभुन प्रकट किया, उसने आत्मा क्या है ऐसा कहा दिखा तो ये आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान नी स्वच्छता नी मूर्ति है, उसकी वर्तमान पर्याय में पुण्य पाप का भाव है, ये विभाविक विकारिक दिशा है, ये विकारी दिशा में एकता मानवीय व्यभिचार है। क्यों कि स्वभाव आनंद है न पुण्य पाप का भाव विकार है, उसकी साथ एकत्व करना वो तो व्यभिचार है। जिनीवाद भाई समझ में आया, तो अंदर आत्मा ब्रह्मानंद सहजानंद प्रभु है। या ये कैम है बीड़ी बिना चले नहीं, तमाकू बिना चले नहीं, हवार में चा पीवे न तो मगज ठेकाने रहे नहीं, चा पीना एवं नहीं मगज ठीक नहीं कहते।
सुनने में मगन नहीं थे थी। आवा तो लखन अप लखन एने के चा बापी ने आवे बीड़ी बीड़ी पीने आवे मगे ठीक रहे सुनने में व्यसन नाती कहीं ठिकाना है। आई तो परमात्मा एम कहते हैं सर्वज्ञ देव अने संतो प्रभो तेरा ब्रह्म नाम आनंद स्वरूप नाथ। ये आनंद में लीन हो, आनंद की रुचि करके ज्ञान करके उसमें लीन होना ये ब्रह्मचर्य है कि जिससे भव का अभाव हो जाता है। समझ में आया? अपना स्वभाव भाई क्या जाए माथे जाए अपने आ जाओ पहला मुझे एक पास लाबू आ तो बड़ा दिन है मंगलिक दिन है अनंत चतुर्दशी है। समझ में आया? इससे यहाँ तो ब्रह्मचर्य का दिन गया गिना है। दस लक्षण है ना तो उत्तम ब्रह्मचर्य है। शरीर से स्त्री का सेवन न करना वो उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं, ये तो एक स्वभाव है। उत्तम ब्रह्मचर्य तो आत्मा आनंद का अनाज सहजानंद स्वरूप ऐसा आत्मा ही है स्वरूप का, उसमें अंदर में लीन होना चरना ब्रह्म नाम आनंद ने चरण शरी नाम रमना। अरे आवाज सुनी नहीं कभी शुद्ध परिणति आनंद का नाथ उसकी परिणति शुद्ध प्रकट करनी ये ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? कभी ये बाहर से ब्रह्मचर्य तो अनंत वेर की पाया हजारों स्त्री का त्याग किया पर वो तो स्वभाव है ये कहीं चीज धर्म नहीं। समझ में आया? पंच महाव्रत का परिणाम है वो भी आश्रय है उसकी साथ एकत्व बुद्धि करना विचार है। ये कहते हैं। समझ में आया? मुझन में आई बात से बापा त्रणे लोकन महासंदर विराजे छे चैतन मूर्ति ज्ञानानंद सहजानंद स्वरूप प्रभु वो सहजानंद स्वामी नही नहीं हो। हाँ भगवान आत्मा ही सहजानंद स्वरूप है अंदर। खबर क्या कभी सुना नहीं आत्मा की बात। समझ में आया? अने आत्मा जाने बिना आत्मा का ज्ञान बिना ज्ञानी नाम धराना धर्मी नाम धराना ये बदा एकड़ा बिना मिला है। ये ब्रह्मचर्य की बात क्या हम कई गाथा है 107 है चार नीति चलिए फिर निज शुद्धात्मा पर निज आत्मा क्या नहीं खबर न मिले और साथ हरी नी क्रिया करना का राग करना दया करना पूजा करना भक्ति करना ही आत्मा। ये तो सब विकल्प ने राग है ये आत्मा नहीं है। निज शुद्धात्मा ज्ञान के गम है। ये ज्ञान क्या शास्त्र का ज्ञान पर क्या ये नहीं अंतर ज्ञान स्वभाव में गम है आत्मा। पुण्य पाप की परिणति राग की छोड़कर अंतर ज्ञान की निर्मल दशा द्वारा आत्मा गम्य नाम जानने में आता है। समझ में आता आया? क्योंकि मति ज्ञान आदि पांच भेदों रहित परमात्मा शब्द का परम पद है। परम पद प्रभु अंदर केम बैसे बे बीड़ी सरकी पीए सिगरेट तर जंगल जंगल उतरे पाईखाना में आठा तो अपलखण एने कहना कि तेरा आत्मा परमानंद केम बैसे ने
भगवान आत्मा वस्तु है कि नहीं? तो वस्तु है तो उसका त्रिकाली कोई स्वभाव है कि नहीं? जैन ही त्रिकाली है तो त्रिकाली आत्मा ऐसा त्रिकाली कोई स्वभाव है कि नहीं? तो त्रिकाली स्वभाव तो उसका अतिन्द्रिय आनंद अतिन्द्रिय ज्ञान अनंति स्वच्छता वितरागता जीना स्वभाव है। समझ में आया? आत्मा भाववान है तो उसका भाव क्या? शुभ शुभ भाव इसका भाव नहीं तो विकारी भाव है। त्रिकारी भाव तो अनंत ज्ञान अनंत आनंद शांति स्वच्छता प्रभुता। जिसकी महिमा वाणी द्वारा भी पूरी आ सके नहीं ऐसा आत्मा है। ये आत्मा को जाने बिना सब व्यर्थ है। ये महाव्रत पावन मुनिपणा जीवन द्रविलिंग अनंत बार धारा उससे कोई जन्म मरण मिटा नहीं। चार गति चक्र में रखड़ते हैं वो आए कहते हैं परम पद अभी साक्षात मोक्ष का कारण है। ये परमात्मा निज स्वरूपण केम वैसे अपना माप तुलना करता आवड़ती नहीं। समझ में आया? अपना माप क्या प्रमाण क्या है उसकी खबर नहीं। ये प्रमेय का प्रमाता है भगवान त्रिका प्रमेय नाम ज्ञान स्वरूप है उसका वो प्रमाता प्रमाण करने वाला है। पर का प्रमाण करने वाला नहीं। आवो भगवान पर मारो अनादि थी आत्म तीर्थंकर अनंत थी गया अनंत तीर्थंकरो क्षत्रिय था राजकुमार था तो संसार छोड़कर अंत आनंद का प्रकट किया दिशा पीछे यहां जगत का उपदेश दिया। समझ में आया? यहां कहते हैं परमात्मा उस स्वरूप परमात्मा को वितराग निर्विकल शोषण ज्ञान के बिना स्वरूप राग रहित भगवान आत्मा है तो उसकी परिणति नाम पर्याय में दशा में राग रहित वितरागी निर्विक्रम स्वसमय ज्ञान से प्राप्त होता है। है ऐसे ज्ञान के बिना दुर्धर तप के करने वाले अपवाद करो मुनिपना बार व्रत ने मुनि धर्म पाओ सब मिथ्या है। समझ में आया? बड़ा दिन है आज तो मंगलिक दिन है मंगलवार है वारी मंगलवार है आज। मंगलिक तो ही परमात्मा मंग नाम सुख ने ल नाम लाती अंतरना आनंदना आनंदनी दशा ने सुख ने प्राप्त करे ते मंगलिक है। समझ में आया? पांच पचास हजार पैदा करे तो आज हमारे मंगलिक है बनाओ लापसी दूर में ये नहीं सुनने लड़का हुआ 60 वर्ष है बंजा बांजा ने पुत्र आयु पीछे पची आ तो आओ करो लापसी हमारे दूर क्या ये मंगलिक है। मकान बनाया 5-50 लाख का वास्तु वास्तु आज मंगलिक है दूरे मंगलिक नहीं। अपना आत्मा मंग नाम पवित्रता ल नाम लाती मंग अव अपनी पवित्र दशा जो अंदर है उसको पर्याय में अवस्था में पवित्रता प्राप्त करना उसका नाम मंगलिक परमात्मा कहते हैं। दुनिया से विरुद्ध है भाई। समझ में आया? तो लाख बेला पैदा करे एक दिवस में बस आज तो करो मंगली का लापसी बनाओ लापसी कहते क्या कहते हैं है गेहूं के बनते ने क्या खीर नहीं खीर नहीं लापसी बनते हैं खीर तो दूध नहीं बनती है तो गेहूं का आटा की लापसी बनते है ने क्या कहते तुम्हारे हलवा ही नहीं तुम्हें हलवा तो सिरा तो सिरा का हलवा कहते हैं लापसी वर्ष में
वापसी कहते हैं नो इतनी खबर नहीं लिया। आए तो कहते हैं कि 5-10 लाख मजा बनाओ राम जी से भूल में लाभ को क्या तुम्हारा अमंगल पाप है। मंगल तो चिदानंद सहजानंद प्रभु आत्मा उसमें एकाकार होकर पुण्य पाप की परिणति को हटाकर शुद्ध परिणति अरागी विदरागी प्रकट करे उसका नाम भगवान मंगली कहते हैं। या मंगल ना मंगल दिवसा है, है? वो मंगल मंगल हो मंगल के पाप है मंगलों के पाप। एक मानस था ने ये सुना था क्या राजकोट से ने भाई बोलो नहीं प्रो वाणी आता नहीं कोई नहीं प्रेमचंद प्रेमचंद भाई एक म्युनिसिपालिटी ना उपरी था मोटो पगार बदाने है श्वेतम मंदिर आवश्यक जान में गया है जान समझे लगन में जब बर्फी क्या खाली एकदम आया ना सारा बंद हो गया शरीर लठ जीव सोना जीव शरीर शरीर अंधेरा श्वेतांबर पर हमारी तो प्रसिद्धि थे जो महाराज गाम में है बोलाओ महाराज ने दर्शन करना है नजीक था पास आगे गया थे और आंख में आंसू चला जाए स्त्री ऊपर बैठे थी पूछे अब मिली जाए नहीं पूछी रही पर जवाब देने आई तू पूछू तारे मारा इस क्या करते हैं तुम्हें बताए ये वक्त एक वोटर आयो राव साहेब ने इनकाम आयो सरकार तरफ से आई मरवानी तैयारी मैं बैठा था त्या मंगल समान जहां पोटर आया पोटर समझे ना स्कूल पटा वाला साइकिल में भाई सुन नाम प्रेमचंद रहता था प्रेमचंद रहता एने राव साहेब ने राव साहेब ने आज क्या बपाए थे आई मरवानी तैयारी सारा राव साहेब क्या गया बापा અને રોતે આંખમાંથી આંસુ ચાલે શરીર લઠ જેવું સોના શરીર બે ત્રણ દી માં પકવાન ખાયા પકવાન લગ્ન મેં તો સારા શું કહેવાય ડબલ ન્યુમોનિયા ઉગે ડબલ ન્યુમોનિયા મહારાજ ને બોલાવો મેં તો મંગળી સમતા એને પણ આંખમાં આંસુ ચાલી જતો મરવાની તૈયારી ઈસ્ત્રી માથે બેઠી હતી એને ગાડલા ઉપર ગયા પૂછતી હતી કે આનું શું કહું હું તો પછી મરી જવાનું છે પણ હવે મરવા જો ના તમે હું કરું છું બા જાય છે બિચારો અહીંથી એ તમે પૂછી જો આનું શું કરું દીકરીનું શું કરું પૈસાનું શું કરું લોકોનું હવે કરવું એ કરીએ પાછો આમ જવા દે ને પણ ઠગારા મારા મધાય એનું થાય થાય અમારે શું થાય નરકમાં જાય તો અમારે ક્યાં હનામ છે અહીંયાથી અમારી સગવડતા જાતે હું કયું રૂપે ક્યાં મરીને ગયો ઉસકે રોતે હે વો હે અમારા સગવડતા કામ કરતે થે વેપાર કે ધંધો ન અપના એને રોતે હે મરીને ઢોરમાં ગયો કે નરકમાં ગયો કોણ પછી પૂછતે તમે હે આને કહેતે પ્રભુ એક વાર આત્મા ક્યાં થઈ જાય ઉસકો તે કદી સંભાળ્યા નહીં भगवान पूर्णानंद का नाद पुण्य पाप का विकल्प से रहित अंदर है उसकी दृष्टि करके उसमें लीन होना ये परमात्मा नाम आत्मा की प्राप्ति का उपाय है। समझ में आया ये क्रिया कांड बद्धि कोई आत्मा की प्राप्ति ना उपाय है नहीं ये इसलिए ज्ञान से अपना स्वरूप अनुभव कर है ज्ञान के बिना अपना ज्ञान स्वरूप ज्ञान ज्ञान बाहर ना ज्ञान ये नहीं चार अनुयोग का ज्ञान किया फलाना ज्ञान किया फलाना ज्ञान ये तो बहुत अज्ञान है समझने में तो आत्मा अंदर आनंद कंद का ज्ञान करना ये ज्ञान में अपना आत्मा जानने में आता है ये दुर्जतप के करने वाले बहुत से प्राणी नहीं पाते हैं इसलिए ज्ञान से ही अपना स्वरूप अनुभव कर प्रभु ऐसा कथन कुमकुंदाचार्य ने समय सार में कहा है कि समय ज्ञान नामा निज गुण से रहित ज्ञान का जो निर्मल किरण अंदर
इन निर्मल ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना एक ये पुरुष ब्रह्म पद को बहुत कस करके भी नहीं पाते हैं। सम्यक ज्ञान का अनुभव बिना निर्गुण से रहित पुरुष ब्रह्म पद को कष्ट करके भी महाव्रत पाले, अपवास करे, ब्रह्मचर्य पाले, दया पाले, मरी जाए करके पर उससे आत्मपद प्राप्त होता। जो महान दुर्धर्तव करो तो भी नहीं मिलता है। दुर्धर्तव करे छह महीना न अपवास, जाओ जी शरीर के स्त्री का विषय न ले लेती, क्या हुआ? ये तो शुभ राग है, वो कोई चीज नहीं। जाओ जी ब्रह्मचर्य पाले, बाल ब्रह्मचारी, ये शुभ भाव है, धर्म नहीं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं कि यहाँ दुख से छूटना चाहते मान दुर्तव को भी नहीं मिलता। इसने जो तुम दुख से छूटना चाहता है, ये शुभ ने अशुभ भाव, दुख है, जहर है, कष्ट है, इसके छूटना चाहते हो तो सिद्ध पद की इच्छा रखते हो तो आत्मज्ञान कर, निज पद को प्राप्त कर, आत्मज्ञान कर। एम कहते हैं भाई ये ज्ञान के नाम शास्त्र न वाचन क्रिया, ये ज्ञान नहीं। समझ में आया? अनुयोग द्वार ऐसा है, कर्णान युग में ऐसा है, फलाना युग में ऐसा है, ये ज्ञान नहीं, ये तो पर्वत है। यहाँ तो आत्मा आनंद नाम आज प्रभु उसका ज्ञान करे अंदर में। बात भारी आकर, अरे जन्म मरण थी मरी गयो प्रभु अनादि थी, कीड़ा ना कागड़ा ना कुतरा ना बहु करी करी अनंत काल से अनादि है के नवो है। आत्मा के नवा होता है, ये तो अनादि है, तो अनादि कहाँ रहा? आनंद में आया, मोक्ष हुआ, चार गति में रोना। रो तेरा दुख की बात करते हैं, करते हैं दुख इतना थे भोग्या कि देखने वाले ने आंसू चलते थे, इतना थे दुख भोग्या प्रभु भूल गए हो तुम। समझ में आया? एकेन्द्री, बेन्द्री, त्रिणेन्द्री, चवरेन्द्री, निगोद, बटाटा, आलू, जीव की जीव है, अंत दुख है, अनंत दुख है उसने, क्योंकि अपनी संपदा बनाई गई है। एकेन्द्री, पीपड़ा, लिमड़ा, अंदर जीव है, तो दुखी है महा। समझ में आया? डूंगड़ी, डूंगड़ी कहते ना प्याज, इतनी डूंगड़ी तो एक कटकी में तो असंख्य शरीर, एक शरीर अनंत जीव है। मानस जारी तेल में उकाले, तेल 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 के घी, एक सेकंड में सब मरी जाए। अनंत जीव है भाई, तने खबर नहीं, तू ऐसे थे अंदर में। एक आत्मज्ञान बिना ऐसा परिभ्रमण किया उसने। समझ में आया? शास्त्र का ज्ञान किया, नव पुरुष का, ग्यारह का ज्ञान किया अनंत में। शास्त्र का एक आचरण शास्त्र है, उसका आधार आधार पद है, एक पद में 51 करोड़ जरा श्लोक है, ऐसा ऐसा सारा आचरण सुगणंग ठारंग ऐसा ग्यारह का ज्ञान अनंत में किया। ये ज्ञान नहीं, अपना भगवान मन ने विकल्प से रहित आत्मा का अंदर ज्ञान करना, वो आत्मज्ञान है। ये ज्ञान स्वरूपी भगवान का ज्ञान करना भाई, जीनी बात प्रभु। 84 ना अवतार मां प्राणी मां पिलाई गयो है। 84 कहते हैं कि नहीं? 84 योनि है, एक एक योनि में अनंत बार जन्म लिया है, आके नया जन्म नहीं। भगवान भव ने भवना भाव रहित भगवान, भव ने भवना भाव रहित प्रभु, अने अनंत आनंद सहित नाथ।
उसका सन्मुख होकर स्वभावनी सन्मुख होकर पर से विमुख होकर अपना ज्ञान करना ही आत्मज्ञान है। ये बिना जन्म मरण कभी मिटेगा नहीं। समझ में आया? घाणी में जिन तल पिलाते हैं, घाणी तल तल ऐसे पिलते बापा, खबर नहीं तने भाई। आनंदना नाथ ने पुण्य पाप ना भाव में कचरी नहीं करते। आई तो आ बात है भगवान, आत्मज्ञान मीना बदा मीठा मींडा है सब। ये कहते ना, दुख से छूटना, जीत पद की इच्छा हो आत्मज्ञान सिद्ध निज पद को प्राप्त कर। यहाँ सारा किया है कि धर्म अर्थ कामादि सब पद्रव की इच्छा को छोड़ता है। जी कोई दया दान व्रत भक्ति का भाव धर्म है टिप्पण, उसको भी छोड़ते हैं दृष्टि में से है। हाँ तो दया दान व्रत वाले का धर्म हो गया हमारे, दूड़े नहीं सुनने आश्रम है धर्म, क्या खबर ही नहीं तेरे। व्रत पाओ, ब्रह्मचर्य पाओ, जिंदगी में सत बोलो, दया पाओ, ये तो सब शुभ भाव आश्रम है। भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, पालवा पालवा राग क्या आ जाओ उसमें। समझ में आया? जीनी बात से भगवान सारी बलियारी ना सुंदर शक्ति ने जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मा, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू देखा ज्ञान मा, कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। समझ में आया? घी का स्वाद तो गलूती में से क्या जन्म घुटी से घी तो मिला है ने, कैसा स्वाद है देखो बोलो। जो बहुत डाया सन तुम्हें बता डा हो जाना रम कराना, इसमें बहुत व्यापार में घी कैसा स्वाद है घी का, जन्म कुंडी से मिला है, केला जैसा है, शक्कर जैसा है, गुआव जैसा है, घी तिलाता तो होता है तलाव में, घी तिला होता है, घी तिला जैसा ख्याल में है पर कहीं कही सके नहीं कहीं ऐसा है ना, ख्याल में एक ऐसा स्वाद है पर कोई जगत की चीज साथ है मिलान करके कही सकूं ऐसी चीज हमने दिख भी नहीं। तो घी जैसी जड़ चीज का स्वाद भी आया ना ख्याल में, चता कही सके नहीं कुछ नहीं, तो भगवान आनंद का नाथ जिसने सम्यक दर्शन में आत्मा का आनंद का स्वाद लिया, सम्यक दर्शन चौथे गुणता कैसा स्वाद है गुंगा का, गौर का स्वाद, गुंगा होता ना गौर देते स्वाद, कैसा गुंगा स्वाद, बस बोल सके नहीं। एम परमात्मा आत्मा उसकी निर्विकल्प संकित दृष्टि, उसमें स्वाद क्या है ये अनुभव गम है। निर्वचनीय निर्वचनीय वचन में क्या है, घी जैसे की बात नहीं कर सकते। यहाँ कहते हैं भगवान एक बार सुन तो सही नाथ, और ये अरे मनुष्य बना मेरा पचेंद्री हुआ लाबो आयुष रहा निरोग शरीर रहा, पर वो आत्मा पुण्य भी तेने किया, पर वो कहीं जन्म मरण मिटने की चीज नहीं। है आत्मज्ञान कर निज पद को प्राप्त कर। यह सारांश यह है कि धर्म नाम पुण्य, पंच महावर्त आदि भाव ये पुण्य, अर्थ नाम पैसा, पैसा नहीं इच्छा ये पाप, काम भोग नहीं इच्छा ये पाप, अने धर्म पुण्य पुण्य इच्छा ये पाप,
એની ઈચ્છા કરવાના પુનકી એ બી પાપ હે. નિશ્ચય મેં તો પુન કોઈ પાપ કહા હે. પાપ પાપ કો સૌ કહે પણ અનુભવી જન પુન કો પાપ કહે. યોગ સાર મેં આતા હે. સમજ મેં આયા? હા હા. ભગવાન આનંદ કા નાદ નિર્વિકલ શાંત રસ ઉસમે સે પુન કા ભાવ પ્રગટ હોના એ તો પાપ હે. હજી તો પુન કો પાપ કહેતે રાજ નગી આયા હે. બાપુ તેરી ચીજ માં અંધા હે રાગી. પ્રકાશ ની મૂર્તિ હે ને પ્રભુ, ચૈતન પ્રકાશ ના નૂર ના પૂર પ્રભુ તેરી ચીજ હે. ખબર નહી કભી ખોદી આયા. એસી ચીજ કો ધર્મ અર્થ કામ આદિ સબ પરધર્મ કી ઈચ્છા. દેખો ધર્મ ને પરધર્મ કીધા ભાઈ. એ પુન પુનના ભાવી પરદ્રવ્ય આપણી સીજ નહી. હા હા હા. પાંચ માવર્ત ને ઠેર મૂળનું સાધુમાં પરદ્રવ્ય રાગે યજુવાત બાપા. અરે હા હા. ધર્મ નામ પુનની ક્રિયાઓ, અર્થ નામ પૈસાની ઈચ્છાઓ, કામ ભોગના ભાવના સબ પરદ્રવ્ય કી ઈચ્છા હે. ઈચ્છો છોડતા હે વહી નિજ શુદ્ધાત્મ સુખરૂ અમૃત મેં તૃપ્ત હોવા. નિજ શુદ્ધાત્મ સુખરૂપ અમૃત એ પુણ્ય પાપના ભાવ એ દુઃખરૂપ હે. હા હા હા. ઉસકી દ્રષ્ટિ છોડકર ભગવાન અંદર ચિદાનંદ પ્રભુ હે. ઇસકી દ્રષ્ટિ કર. હા હા. નિજ શુદ્ધાત્મ સુખરૂપ અમૃત. હા હા હા. જેમ બ્રાહ્મણ ચૂરમું ખાય ખૂબ, અને ચૂરમામાં પણ શું કહેવાય ભૂલી ગયા નહી ઉપર છે ઠેપલી ઠેપલી. એ અમારે મિત્ર હતો ઠેપલી કહેતો. મિત્ર હતો કે ઠેપલી ખાયો. ઠેપલી શું? એ આપણને લડ્ડુ આવે ને એસા નહીં, છૂટું ચૂરું નાખે પડી હોય ને પીપળાનું વડના પાનનું શું કહેવાય હે પતરાવળી. બ્રાહ્મણી ને પતરાવળી મેં છૂટું ચૂરનું આપે પણ ઉપરથી ઘી આમ નાખે. આમ લડ્ડુ વાળી નહીં, એમાં તો ઘી મર્યાદા હોય જાય. આ તો પેલી છોટી ઉંમર મેં સોના થાય. આમ ઉમરાળી થાય ને તો અમારા મિત્ર ભોજન કરીને ઘી ધોળા ધોળા હે ને ધોળા જંકશન. તો ક્યાં ક્યાં ઠેપલી ખાયા. ઠેપલી ક્યાં કીધું આપણે વાણિયા ક્યાંય ખબર નહીં. ઠેપલી કે પતરાવળી મેં છૂટું ચૂરું આપી પાછી રચે. પછી તપે બોગડું ભરીને ઘી હોય બોગડા શું તપે. આય કહેતે હે કે થેપલી ક્યાં હે. એ આત્મામાં આનંદ કી અવસ્થા પ્રગટ કરના હોય થેપલી હે ચૂરમા કહે. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ગાથા 107નો શેષ ભાગ આપણે આવતી વખતે લઈશું. સુખ નામ અનંત સુસા.